गुड मॉर्निंग मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद कर रहा हूं सबके सब बहुत अच्छे होंगे सबके सब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों आ जाइए आप सभी का स्वागत है यार सभी का स्वागत है जल्दी से फटाफट ज्वाइन कर लीजिए गुड मॉर्निंग एवरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग पूजा गुड मॉर्निंग सुरबी गुड मॉर्निंग नेहा पुष्पांजलि जूली गुड मॉर्निंग सचिन गुड मॉर्निंग यार गुड मॉर्निंग इंदू शशिकांत शालू गुड मॉर्निंग प्रियदर्शनी गुड मॉर्निंग वंदना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सोनम गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी लोग जल्दी से आ जाओ फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लो ठीक है लाइक कर दो यार सेशन को शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम बच्चे जो है हमारे तक जुड़ पाए चलिए सो so, स्टार्ट करता हूं दोस्तों मैं आज का करंट अफेयर तो आज बेसिकली क्या है आज है थर्टीथ तो ऑफ सेप्टेम्बर समय हो गया मॉर्निंग करंट अफेयर का हमारा मॉर्निंग करंट अफेयर जिसमें हम कवर करते हैं देश और दुनिया की अन्य जो जो भी खबरें हैं जो आपके यूपीएससी पेपर के हिसाब से सिग्निफिकेंट है और रेलिवेंट है यूं तो पेपर बहुत सारे आते हैं लेकिन वो चीजें जो आपके लिए जरूरी है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीजें मैं यहां पर क्या करता हूं दोस्तों कवर करता हूं समझ में आ रही बात आप आप सभी को सो so बेसिकली हम कवर कर रहे हैं वो सारी चीजें जो आपके लिए क्या होती है दोस्तों होती है जरूरी सो करंट अफेयर थर्टियथ ऑफ सेप्टेम्बर यूपीएससी सी एस और इक्कीस के लिए करंट अफेयर चल रहा है आपका बीस तो आप मानो खत्म ही मानो ठीक है तो ये करंट अफेयर जो है कंप्लीटली है 2021 वाले बच्चों के लिए 2022 वाले बच्चों के लिए और 2023 वाले बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं दो दोस्तों सुमित सुमेटेन मेरा कोड है इस कोड को आप यूज कर सकते हो कहां पर दोस्तों हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं अनकेडमी ऐप ठीक है अनएकेडमी ऐप जो है ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग ऐप है जहां पर हम आपको ऑफर करते हैं स्पेशल क्लासेस जहां पर हम आपको ऑफर करते हैं क्विज जहां पर हम आपको ऑफर करते हैं क्या दोस्तों स्पेशल क्लास क्विज और साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हमारे पास क्या होते हैं प्लस कोर्स स्पेशल क्लास और क्वीज जो होती हैं दे आर फ्री फॉर ऑल बट ये जो होती हैं ये क्या होती हैं दोस्तों आपसे पेड होती हैं ठीक है एक पेड क्लासेस होती हैं साथ साथ में आपको पता है दोस्तों यूट्यूब के माध्यम से भी हम जुड़े आप मेरे साथ यूट्यूब पे कहाँ जुड़े हो दोस्तों आप मेरे पास जुड़े हो यूपीएससी अनकेडमी ठीक है उसके बाद अभी नया चैनल हमने स्टार्ट किया है दोस्तों जोग्राफी आपका वन वन और साथ साथ में अपना दूसरा चैनल है मैप 101 सो so, दो हमने चैनल यहां पे स्टार्ट कर दिए हैं 101 एंड मैप 101 जो आपके लिए है दोस्तों जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए है जहां पर हम करते हैं पूरे एग्जाम की तैयारी पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन जो है हम करते हैं सो so ये दो चैनल है So, जिस भी बच्चे ने यार नहीं ज्वाइन किया फटाफट मैं उनको बता दू दोस्तों ये चैनल लॉन्च हो चुके हैं जोग्राफी वन ओ वन एंड आपका मैप वन ओ वन so, सो जाइएगा फटाफट से और इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लिंक इनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में अगर है या तो मिल जाएगा नहीं है तो मैं रखवा दूंगा ठीक है सुमित so, टेन अपना कोड है इस कोड का इस्तेमाल करोगे आप और जितने भी प्लस कोर्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं so इस्तेमाल करना है दोस्तों ये नया कोर्स है मेरा जो स्टार्ट हुआ है सत्ताईस सितंबर से, से आज अपना तीस सितम्बर है ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों आज यूपीएससी जो अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन उनका प्राइस हाइक होने वाला है सो so उन सभी बच्चों से जिन्होंने अभी अकेडमी सब्सक्राइब करना था बट वो नहीं कर पाए हैं किसी भी कारणवश तो उनसे मेरा निवेदन है कि फटाफट जाएं और अन अकेडमी को सब्सक्राइब कर ले क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अन अकेडमी की जो प्राइस हैं दे आर गोइंग टू बी हाइक ठीक है they are गोइंग टू बी राइज फ्रॉम द टुडे आज के बाद में वो प्राइज क्या हो जाएंगे आपके दोस्तों बढ़ जाएंगे लगातार आपके पास अलर्ट भी आ रहा है और हम भी आपको बता रहे हैं सो so, बायोडाइवर्सिटी का नया बैच है स्टार्ट हो गया दोस्तों क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड ज्योग्राफी सारे बैचेस हैं आप आ सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड सुमित सुमिटेन याद रहेगा कोड आपको मेरा क्या है दोस्तों सुमित टेन मेरा कोड है पे आने के लिए सुमित टेन कोड आप यूज करेंगे यू विल गेट द डिस्काउंट एंड साथ ही साथ में दोस्तों मेरा गाइडेंस आपको थ्रू आउट द प्रोसेस में क्या करूंगा गाइड करूंगा आज की जो पहली और बड़ी खबर है दोस्तों दैट इज द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर दो पहले इसी को हम बोलते थे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है ना नई शराब पुरानी शराब है बस नई बोतल के अंदर में इसको पैक कर दिया है और कुछ कुछ मात्राएं जो हैं इधर से उधर की गई हैं कुछ कुछ चीजों को बढ़ाया गया है क्या है वो चीजें क्या है वो बातें सारी की सारी हम यहां पर करते हैं डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर हो या डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर हो किसके लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों जब भी आप डिफेंस प्रोडक्ट जो है भारत के लिए इंपोर्ट करते हो भारत के लिए खरीदते हो ठीक है भारत के लिए बाय करते हो तो वहां पर जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसके लिए जो, जो प्रोसेस होती है उसके लिए जो प्रक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर या डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर आप समझ रहे हो कोई भी रक्षा समझौता हुआ रक्षा हस्ताक्षर हुए जिसके अंदर में भारत ने कोई हथियार खरीदे विदेश से so, वो किस प्रक्रिया के तहत होता है दोस्तों तो वो प्रक्रिया है आपकी क्या डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 ठीक है अभी नई आई है इससे पहले क्या था डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर चलिए दोनों के बारे में बात कर लेते हैं बात क्यों करनी है ये भी समझना पड़ेगा दोस्तों जीएस पेपर टू का हिस्सा है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट दियस सेक्टर एंड द इशूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड द इंप्लीमेंटेशन दोस्तों कहां पर है जीएस पेपर जीएस पेपर टू का हिस्सा है दोस्तों हाँ, सरकार की अलग अलग नई नई पॉलिसी सरकार की नई नई स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस सेक्टर एंड द इशूज विच अराइज आउट ऑफ दीज इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम चलिए क्या है इसके अंदर दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर दो हजार बीस जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपका दोस्तों डेप

जो कैपिटल बजट होता है जिसमें से डिफेंस मिनिस्ट्री आपका क्या परचेज करती है डिफेंस मिनिस्ट्री प्रोक्योर करती है आपके इक्विपमेंट्स है ना फ्रॉम द कैपिटल बजट तो उसी के लिए प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों वो प्रक्रिया होगी आपका डीएपी 2020 डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 अब ये है क्या डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर क्या है रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया बोलते हैं इसको दोस्तों ये रक्षा की अधिग्रहण प्रक्रिया जो है ये क्या है कैसे काम करेगी क्यों इसको हम लेके आए वगैरह वगैरह सारी डिटेल में बात कर लेते हैं सो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 हजार बीस इज द रीनेम्ड इटेरिएशन एंड आपका रीनेम्ड इटेरिएशन ऑफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर डीपीपी जो था ना हमारा पुराना उसी का ये दोबारा से नाम हमने बदल के बस बोल दिया है डीएपी दो रक्षा खरीद प्रक्रिया का एक नया नाम है उसका एक नया नाम है दोस्तों आपका ये फर्स्ट डीपीपी वॉज प्रोमोगटेड इन दो हजार दो जो पहला डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर था ना जो पहले बना था वो दो हजार दो के अंदर में उसको बनाया गया था पहला डीपीपी वर्ष दो हजार दो में

कैसे इसके तहत में काम चलता है कैसे इस प्रक्रिया के अंडर में काम होता है मैं आपको बता दू दोस्तों सो डेप दो जो है ना अ रिनेम्ड इटारियेशन ऑफ द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो हमारे पास डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर उसी का एक नया नाम है पहली बार जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर था वो स्टार्ट किया गया था कब आपका 2002 में उसके बाद लगातार जैसे जैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की नीड है भारतीय इंडस्ट्रीज को को प्रमोट करने के लिए हमने इस चीज लगातार क्या करता रहे 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 करते करते दोस्तों लगातार इसके अंदर में हम बदलाव करते रहे लेकिन पहली जो पॉलिसी आई थी हमारी फर्स्ट टाइम वो कब आई थी आपका दो में उसके बाद लगातार बदलाव होते रहे हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू द डोमेस्टिक नीड एंड द मैन्युफेक्चर सो तब से अब समय समय पर इसको संशोधित किया जाता रहा ताकि बढ़ते घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा सके और रक्षा विनिम रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके तब से हम ऐसा करते जा रहे हैं क्यों क्योंकि हम चाहते हैं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर जो है जो डोमेस्टिक हथियार में करें दोस्तों जो भारत के हैं उनको बल मिले उनकी स्थिति जो है वो स्ट्रांग हो उनकी कंडीशन स्ट्रांग उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो और साथ ही साथ में दोस्तों भारत जो है सेल्फ सेल्फ रिलायंट बने किस सेक्टर में आपका दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस दिस हथियार ठीक है डीएपी 2020 जो है ये आपका 1 अक्टूबर 2020 से वैलिड हो जाएगा ठीक है कब से लागू हो जाएगा दोस्तों आपका ये 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा चलिए सर ये हो गया बात आपके आपका डीएपी की की डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर सर मुझे बताइए कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीएपी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के ऑब्जेक्टिव क्या है इसके क्या उद्देश्य है हमने क्यों इसको स्टार्ट किया क्या इसके पीछे जो है छिपा हुआ रहस्य है राज है वो क्या है मैं बता दूं आपको दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 जो है इट फोकस ऑन द आई दोस्तों हमारा मेन फोकस है किस पे दोस्तों एफडीआई पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सो अगर मैं बात करूं दोस्तों डीएपी 2020 रक्षा विनिर्माण के एफडीआई पर केंद्रित है रक्षा विनिर्माण में जो हमारा आपका बेसिकली जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर में हम फोकस कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा एफडीआई भारत के अंदर आए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर में आए इसीलिए हमने आपका नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेसर बनाया इसमें बताऊंगा मैं क्या क्या चीज बदलाव की अभी देखेंगे उसको पहली बात सो पहला फोकस क्या दोस्तों एफडीआई पर फोकस है दूसरा फोकस किस चीज पर है दोस्तों हम चाहते हैं कि जो जितनी भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उनका इंडिनाइजेशन हो मतलब वो सारी की सारी जो है भारतीय बने भारतीय मूल की हो जो भी हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट यहाँ पे डिफेंस प्रोक्योरमेंट करते हैं हमारी कोशिश रहेगी दोस्तों सरकार की, की जो मैक्सिमम चीजें हैं वो भारत में ही बनी हो मेड इन इंडिया हो भारत में निर्मित हुई हो सो ये भारत सरकार की दोस्तों कोशिश है है भारत सरकार की एक अपने आप में पहल फैसिलिटीज इसके अंदर में क्या क्या सुविधाएं जो हैं आपको प्रदान की जा रही है जो आपका मैंने क्या बोला ऑब्जेक्टिव क्या है डीएपी डीएपी का DAP का ऑब्जेक्टिव है दोस्तों एफडीआई पे फोकस करना साथ साथ डोमेस्टिक मैन्युफेक्चर की कैपेबिलिटी को बढ़ाना पूरी प्रोसेस का भारतीयकरण करना ठीक है ताकि भारत में इन चीजों का ज्यादा उत्पादन हो विनिर्माण कीमतों को स्वदेशीकरण करना ये इसका है है ठीक सर इसके तहत क्या क्या सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाएगी डिफेंस जो आपका एक्विजिशन प्रोसीजर है इसके तहत क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाएगी दोस्तों पहला एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सपोर्ट इन द स्पेसिफाइड एरियाज टू स्ट्रीमलाइन द एक्विजिशन प्रोसेस आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों पहली बात इसके तहत में डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस के तहत में आपको कुछ फैसिलिटीज भी दी गई है सुविधाएं पहली सुविधा क्या है अधिकरण की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में सलाहकार और परामर्श का समर्थन ठीक है समझना ध्यान से दोस्तों अधिकरण की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए जो आपका एक, एक्विजिशन की प्रोसेस है इसको दोस्तों ज्यादा आपका स्ट्रीमलाइन करने के लिए यहां पर एडवाइजरी और कंसल्टेंसी सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड की जा रही है दूसरी बात दिस इज बीन डन टू एंश्योर अ टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग क्यों कर रहे हैं हम दोस्तों बताओ ये हम इसीलिए कर रहे हैं दोस्तों ताकि जो डिसीजन मेकिंग है वो एकदम टाइम बाउंड हो जाए फास्टर डिसीजन मेकिंग हो और आपकी जो पूरी की पूरी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो तेज हो जाए इसीलिए दोस्तों हम ये कर रहे हैं पर्पज so है दो दोस्तों इसका फैसिलिटीज हमने बताया तो इस कारगर को एक्विजिशन प्रोसेस को अधिक कारगर बनाने के लिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं हम एडवाइजरी सपोर्ट भी दे रहे हैं हम आपको हम आपको कंसल्टेंसी सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं पहली बात <laughs> दूसरी बात क्या है दोस्तों दूसरी बात यह है दोस्तों कि हम चाहते हैं कि जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो वो तेज हो फास्टर हो ठीक है और आपका टाइम बाउंड हो तो उसके लिए भी हमने इसमें अंदर इंश्योरिटी जो है वो है वो रखी आगे बढ़ते हैं दोस्तों टू डेवलप इंडिया इनटू द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ये इसके पीछे का छुपा हुआ एजेंडा है दोस्तों हमारी भी दोस्तों ये इक आशा है कि जिस प्रकार से यूएस जो ग्लोबली हथियारों का सप्लायर है पूरा यूएस जो है वो हथियारों पर चलता है आपको पता नहीं हो तो ठीक है पूरा यूएस हथियारों पे चलता है दोस्तों तो यूएस जिस प्रकार से हथियारों का एक ग्लोबल मैन्युफैक्चर हब है हम चाहते हैं दोस्तों भारत की उसी प्रकार की मंशा कि भारत भी इसी प्रकार से एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप हो सके सो तो ये हमारा इसका क्या है दोस्तों उद्देश्य है सो एफडीआई इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ये हमारा पहला अगर हम भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चर हब बनाना चाहते हैं तो भारत में हमें ज्यादा से ज्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट करना पड़ेगा सो एफडीआई इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग समझना प्रोविजन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड लाइक न्यू कैटेगरी देखो नई कैटेगरी जोड़ी गई है, इसमें बाय बाय ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग इंडिया हमने इसके तहत में क्या किया है दोस्तों मैं बता देता हूं दोस्तों हम चाहते हैं कि फॉरन कंपनियां जो है वो भारत आए ठीक है हम चाहते हैं फॉरेन कंपनियों को हम एनकरेज करें भारत में आए भारत में अपने वो प्लांट लगाएं थ्रू देर सब्सिडरीज उन कंपनियों को आने की जरूरत नहीं है बट अपनी सब्सिडरीज अपनी सहायक कंपनी भारत में स्थापित कर दे और वो सहायक कंपनी क्या करे दोस्तों भारत में बैठ के प्रोडक्ट बनाए और भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब हाँ बनाए मतलब उनके प्रोडक्ट जो है भारत में आके बने और फिर भारत से उनकी क्या हो दोस्तों बिक्री हो ठीक है, so, इससे भारत क्या बनेगा दोस्तों ग्लोबल मैन्युफैक्चर हब बनेगा और इसमें विदेशी निवेश जो है उसको हम सुनिश्चित करना चाहते हैं विदेशी निवेश के द्वारा हम भारत को एक ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं फॉर द हथियार मैन्युफैक्चर दूसरा हम चाहते हैं कि इंडिजीनियस कंटेंट विल नाउ बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दैट इज द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेस टैक्सेस एंड ड्यूटीज हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं आप जो आपका स्वदेशी सामग्री की गणना है मतलब क्या है कि कितना मटेरियल आप देखो ये कंपनी बाहर से इंडिया में आएगी इंडिया में आके अपनी सब्सिडरी लगाएगी सब्सिडरी लगा के वहां हथियार बनाएगी तो जब वो हथियार बना रही होगी तो उसको डोमेस्टिक मतलब भारत से कितना माल उसमें लगाना है यह तय होगा किसके आधार पर दोस्तों बेस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के आधार पर ठीक है सर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में क्या हुआ देखो रिजर्वेशन इन द कैटेगरी फॉर द इंडियन वेंडर कई सारी ऐसी कैटेगरी हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय वेंडर के लिए जो सिर्फ और सिर्फ केवल भारतीय विक्रेता के लिए आरक्षित है सो so, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ भारतीय विक्रेताओं विकरेता, विक्रेताओं के लिए आरक्षित है दूसरी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों क्या है इंडियनाइजेशन ऑफ इंपोर्टेड स्पेयर्स जो बहुत सारे स्पेयर पार्ट हैं जो हम बाहर से मंगवाते हैं तो धीरे धीरे हम उनका क्या करेंगे दोस्तों उनका हम स्वदेशीकरण कर देंगे है ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनके ऊपर हमने बैन लगा दिया कि उनको हम इंपोर्ट नहीं करेंगे बैन ऑन द इंपोर्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स ये जल्दी ही आइटम बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोल रहा है कि अभी हम ये आइटम्स नहीं बता रहे हैं बट हाँ सून वेरी सून हम ये आइटम्स भी क्या कर देंगे दोस्तों डिक्लेयर कर देंगे तो ये तीन बातें जो है यहां पर ध्यान रखनी है आपको पहला आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत हमने तीन कदम उठाए हैं पहला हम क्या कह रहे हैं दोस्तों हम कह रहे हैं कि भारतीय वेंडर के लिए हम रिजर्वेशन देंगे भारतीय निर्माणकर्ता जो है उनके लिए हम रिजर्वेशन आरक्षण दे रहे हैं पहली बात दूसरा हम क्या कर रहे हैं दोस्तों जो इंपोर्ट हम जो स्पेयर पार्ट बाहर से इंपोर्ट करते थे दोस्तों अब उनको इंपोर्ट नहीं करना उन पार्ट को हम भारत में ही निर्मित करेंगे दूसरी बात तीसरी बात क्या है हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया है दोस्तों और उन प्रोडक्ट्स का जो आइटम्स है उनकी सूची आपको बहुत जल्दी जो है वो दे दी जाएगी सरकार के द्वारा ठीक है अभी नहीं दी गई है बट बाद में दे दो दीज आर द आत्मनिर्भर ये इनिशिएटिव है जो आत्मनिर्भर भारत के हैं अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें चेंज की गई है दैट इज ऑप्सेट क्लोज ऑप्सेट क्लोज क्या होता है दोस्तों देखो रफाल जो है हमने खरीदा फ्रांस के साथ में हमारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है ठीक है भारत सरकार ने डील की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की हमने राफेल खरीदा सपोज करते हैं छत्तीस हजार रुपए की ओरिजिनल डील थी तो सो क्लोज का उसमें क्या मतलब होता है छत्तीस हजार की डील, इस डील में का मतलब यह होता है कि जितना पैसा हम फ्रांस को देंगे फ्रांस की सरकार उस पैसे का कुछ प्रतिशत हिस्सा भारत में दोबारा से इन्वेस्ट करेगी ठीक है समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों ऑपसेट क्लोज का मतलब होता है कि जो हमने डील की है जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है जितने भी अमाउंट का किया है एक्स अमाउंट का किया है तो उस एक्स अमाउंट का 30 से पचास प्रतिशत हिस्सा के अंदर में दोबारा से क्या किया जाएगा इन्वेस्ट किया जाएगा इसको हम बोलते थे क्लोज अच्छा ये हम, क्यों करते थे, पता है? हम ये सोचते थे कि हो सकता है इस कार्य को करने के कारण क्या हो जाए कि जो जब, जो भी कंपनी है जिससे हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो भारत के अंदर अपनी को कोई सब्सिडरी रिसर्च सेंटर या ऐसा कुछ बना दे और या उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हम तक ट्रांसफर हो जाए लेकिन अभी कैग ने देखा है राफेल की जो राफेल जो बना जो हमने खरीदा था उसमें कैग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है कि अभी तक जो आपका फ्रांस है उसने कोई बड़ी मेजर टेक्नोलॉजी जो है वो हमें ट्रांसफर नहीं की है सो हमने क्या पाया दोस्तों हमने पाया कि जो ऑप्सिट क्लोज का जो मेन थीम था जो मेन पर्पज था जो मेन मोटो था जिसके लिए हमने इसको ऐड किया था जिसके लिए हमने इसको इंक्लूड किया था वास्तव में वो फुलफिल हो ही नहीं रहा है ना हम भले ही सोच लें हम भले ही कह दें हम भले ही मान लें कि ऑफसेट क्लोज जो है हमने रख दिया है ताकि भारतीय डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फायदा होगा लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस उद्देश्य से हमने ऑफसेट क्लोज बनाया था वास्तव में वो उद्देश्य हमारा पूरा ही नहीं होता है सो ये एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों जो आपको याद रखनी है और इसी कारण से इस ऑफसेट क्लोज को दोस्तों आपका रिमूव कर दिया गया है ठीक है तो क्या बोला गया दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री है इंटर गवर्मेंटल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड इन द रिवाइजेंस एक्विजीशनोजर डी एपी दो हजार बीस अंडर द्लोज फॉरन फॉर्म रिक्वायर टू इन्वेस्ट पार्ट ऑफ दियर डील थर्टी टू फिफ्टी परसेंट इन द इंडिया टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्यूफेक्चरिंग आप समझ रहे हो बात क्या भाई डिफेंस ऑपसेट क्लोज के तहत क्या होता था <clears throat> ऑफसेट क्लोज के तहत घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विदेशी फर्मों को भारत में अपने सौदा मूल्य 30 से 50 प्रतिशत का हिस्सा भारत के अंदर ही निवेश करना पड़ता है और इसी चलते हमने क्या किया दोस्तों हमने इस अधिग्रहण प्रक्रिया के अंदर जो ऑफसेट क्लोज है उसको हमने क्या कर दिया है उसको हमने दोस्तों रिमूव कर दिया उसको हमने हटा दिया है ठीक है समझ में आ रही बात आपको दोस्तों पूरी देखो मैं पूरी बात आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूं डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर ठीक है ये दूसरा नाम है किसका आपका डीपीपी इससे पहले होता था डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर नाउ हमने उसको बदल दिया है विद नेम डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर ठीक है हम नया लेके आए हैं डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर इसका मेन मुद्दा क्या है दोस्तों मेन मुद्दा यह है कि हमने डीपीपी को रिप्लेस किया पहला डीपीपी आया था 2002 में उसके बाद में हमने लगातार डोमेस्टिक नीड और मैन्युफैक्चरिंग को के हिसाब से इसको बदलते रहे हैं हम ये अप्लीकेबल होगा आपका दोस्तों एक अक्टूबर दो से ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों ऑब्जेक्टिव है हम चाहते हैं कि भारत के अंदर में हम एफडीआई को बढ़ाएं हम चाहते हैं जो भारतीय है, जो आपका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसका हम आपका स्वदेशीकरण करें यह हमारा मेन उद्देश्य है इसके लिए हमने बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की है दोस्तों हमने एडवाइजरी और कंसल्टेंसी स्तर सपोर्ट जो है बहुत सारी एक्विजिशन प्रोसेस के अंदर वो प्रोवाइड की है हमने ये इंश्योर किया है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट टाइम बाउंड हो ठीक है अब देखो राफेल को कितने दिनों कब फाइनल हुआ था और कब आया है दोस्तों तो ये इतना बड़ा एग्रीमेंट इतना बड़ा ना हो हम चाहते हैं कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर में डिफेंस डील हमारी क्लोज हो जाए सो so, उसके लिए हमने सहायता दी है हम चाहते हैं भारत को एक ग्लोबल हब मैन्युफैक्चरिंग करे इसके लिए दोस्तों हमने एक नई कैटेगरी बनाई है दोस्तों जिसका नाम है बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया कि ग्लोबली जो कंपनियां हैं बाहर देश की कंपनियां बड़ी कंपनियां वो आओ भारत में आओ भारत में पैसा लगाओ भारत में अपनी सब्सिडरी लगाओ भारत में इन्वेस्ट करो भारत में अपने हथियार बनाओ और फिर भारत से उन हथियारों को बेच लो ठीक है ये पॉलिसी हम बना रहे हैं साथ साथ हम चाह रहे हैं दोस्तों की जो अभी जो आपका इंडिजिनियस कंटेंट है जो स्वदेशी माल है आपका वो कितना लगना चाहिए उसका प्राइस अब डिसाइड होगा किससे दोस्तों बेस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ये बातें हमने की है साथ ही साथ में आत्मनिर्भर भारत के अंदर इनिशिएटिव लिए हैं हमने ऐसा नहीं हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को छोड़ देंगे हमने क्या किया है कुछ कैटेगरीज को रिजर्व कर दिया फॉर द इंडियन वेंडर मतलब इनमें सिर्फ भारतीय विक्रेता ही आ, आएंगे कोई और कैटेगरी कोई और जो लोग हैं इसमें शामिल नहीं हो सकते साथ साथ में हमने कुछ इम्पो कुछ हम जो स्पेयर पार्ट थे हमारे कुछ पुर्जे जो थे हम आयातित करते थे उनको आयात करते थे लेकिन उन पुर्जों का अब हमने क्या कर दिया है? दोस्तों स्वदेशीकरण कर दिया है बैन ऑन द इंपोर्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स हमने बहुत सारे आइटम्स है कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर हमने बैन लगा दिया उनको हम नहीं मतलब इंपोर्ट करेंगे भी अभी तक जो है वो नहीं गए। बट सुन आपके जो मिनिस्ट्री है उनको जल्दी से जितने की डील है उसका 30 से 50 प्रतिशत हिस्सा वो दोबारा से भारत में निवेश करेगा ठीक है चलो अब आपको प्रिलिम्स स्पेसिफिक में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या डिफेंस सॉरी यार आपसे बेस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या डिफेंस प्रोसेस जो प्रोसीजर है इसके वट इज दिस पॉलिसी ऑल अबाउट एंड हाउ सिग्निफिकेंट इट इज ऑन द इंडिजिनस स्कीम ठीक है ये आपको मुझे बताना है कि जो पॉलिसी हमने बनाई है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर वो कितनी सिग्निफिकेंट है दोस्तों ठीक है कितनी सिग्निफिकेंट है कितनी आपकी महत्वपूर्ण है और किस चीज के बारे में है ठीक है सो so ये सारी बातें आपको बतानी है तो अबाउट आपको सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो है 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 उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है? चलिए उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे अगली बात कर रहे हैं दोस्तों हम किसकी फार्म्स एक्ट फेडरलिज्म एंड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी दोस्तों बात करते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये पॉलिटी का मुद्दा है दोस्तों आपके फेवरेट सब्जेक्ट से लगभग जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है ठीक है और क्या मुद्दा है मैं क्या बता रहा हूं फार्म एक्ट जो अभी अभी तीन भारत सरकार ने तीन जो आपके फार्म एक्ट पास किए हैं उनसे जो विरोध उत्पन्न हुआ है दोस्तों उनसे जो राज्य सरकारों में विरोध उत्पन्न हुआ है उनसे जो किसानों में विरोध उत्पन्न हुआ है उनसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं आज उनकी हम बात करेंगे ठीक है प्रोटेस्ट हो रहा है हमें भी पता है दोस्तों लेकिन प्रोटेस्ट की हम बात यहां पर नहीं करेंगे वी विल टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे हम आपके फेडरलिज्म की बात करेंगे हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर की ठीक है चलिए आ जाइए मेरे साथ दोस्तों अब मैं क्यों पढ़ रहा हूं दोस्तों मुद्दा आपको पता ही है जो आपका पीछे आप देख पा रहे हो मेरे साथ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देख लो ध्यान से मैं आपको मुद्दा क्या बता रहा हूं दोस्तों मुद्दा यह है कि जो भारत सरकार है दोस्तों उसने तीन नए कानून जो है वो पारित किए हैं है ना उन कानूनों के चलते भारत सरकार चाहती है कि कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म किया जाए कृषि के क्षेत्र में आधुनिकरण किया जाए सरकार चाहती है कि कृषि क्षेत्र के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आपका बुलाया जाए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है आपका निजी निवेश जो है आपका उसको आमंत्रित किया जाए उसके लिए सरकार ने तीन नए कानून जो है वो पास किए हैं पार्लियामेंट के अंदर पहले ऑर्डिनेंस थे अब कानून पास कर दिए और उन्हीं का विरोध हो रहा है दोस्तों और पंजाब और हरियाणा मुख्यतः उसका एपिक सेंटर बना हुआ है मतलब मुख्य जो विद्रोह है वो कहां पर देखने को मिल रहा है पंजाब एज वेल एज इन हरियाणा पंजाब और हरियाणा में विद्रोह जो है हमें वो देखने को मिल रहा है दोस्तों एक बात बता देता हूं बहुत जल्दी हमारा जो ये लेक्चर हो रहा है मॉर्निंग करंट अफेयर जो आप मेरे साथ देख रहे हो इस लेक्चर को हम करेंगे कहां पर आपका दोस्तों जोग्राफी वन ओ वन या मैप वन ओ वन चैनल पे तो हम टोटली totally शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस चैनल टू दैट चैनल सो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक उन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है उनसे फटाफट सब्सक्राइब

फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है ना ये टॉपिक है आपका जीएस पेपर टू का एंड दैट्स वाई वी हैव टू स्टडी दिस ठीक है ये आपका क्या है ये स्टडी करने का आपका एक मेन थीम है अच्छा एक बात बता देता हूं दोस्तों चार अक्टूबर को जब आपका प्रीलिम्स होगा दोस्तों तो मैं आ रहा हूं आपके प्रुलिम्स पेपर का एनालिसिस करने मैं आ रहा हूं दोस्तों आपके सेंटर्स पर एग्जामिनेशन सेंटर पर पर पता नहीं भाई किस एग्जामिनेशन सेंटर पर मैं जाऊंगा हो सकता है मेरी आपसे मुलाकात हो हो सकता है आप भी हमारी जो टीम है उसका एक हिस्सा बन जाए so, जल्दी चार अक्टूबर को आप लोग मेरे साथ देखोगे लाइव फ्रॉम द सेंटर्स ठीक है स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है किस प्रकार का एग्जाम है किस प्रकार की सिचुएशन है सारी चीज मैं आपको कवर करूंगा पूरे एग्जाम एनालिसिस के साथ में दोस्तों चार अक्टूबर बने रहिएगा मेरे साथ सो जीएस पेपर टू मैंने बोला फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जेस परिसम एंड कॉन्स्टिट्यूशनिटी टॉक दिसके बारे में दोस्तों हम फार्म रहे हैं हम फेडरलिजम के बारे में पढ़ रहे हैं क्या है दोस्तों रिसेंटली रिसेंटली प्रेजिडेंट गेव असेंट प्रेसिडेंट गेव असेंट टू द कॉन्ट्रोवर्सियल फार्म बिल पास बाय द पार्लियामेंट ला अगर आपको पता हो दोस्तों तो राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दे दी है राष्ट्रपति ने बोल दिया है ठीक है भैया हाल ही में राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह संसद द्वारा पारित जो विवाद आपका विवादास्पद कृषि विधेयक पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी है सरकार ने राष्ट्रपति ने बोल दिया कि ठीक है भैया ओके की रिपोर्ट है तुम्हारे तीन बिल थे पार्लियामेंट ने पास कर दिया ओके की रिपोर्ट मैं पास करता हूं दोस्तों मैं अनुमति देता हूं नाउ दिस बिल बिकम एन एक्ट अब ये बिल जो है वो क्या बन चुके हैं कानून बन चुके हैं और इन्हीं कानूनों के प्रति पूरे देश के अंदर में विरोध है जो किसान है हमारे वो बहुत परेशान है इससे कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने ठीक है लॉ ठीक है थोड़ा पढ़ते हैं दोस्तों कानून के लिए कुछ तर्क वितर्क मैं आपको देता हूं दोस्तों क्या द गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्म द इंडियन एग्रीकल्चर एंड अट्रैक्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सरकार का मानना क्या है दोस्तों सरकार का मानना है कि जो तीनों एक्ट पास किए गए हैं ये कृषि क्षेत्र के अंदर में विकास की एक नई लहर लेके आएंगे विकास करेंगे साथ ही साथ में जो प्राइवेट निजी निवेश है ना दोस्तों निजी पूंजी है निजी संपत्ति जो है उसको इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों कहां पर आपका दोस्तों एग्रीकल्चरल और फार्म सेक्टर में ये मेन बात है दोस्तों ये आर्ग्यूमेंट है सरकार की तरफ से लेकिन मैं एक थोड़ा सा वितर्क भी इसमें दूंगा ये तर्क है तो मैं वितर्क दूंगा मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट दूंगा मैं क्या कहूंगा दोस्तों देखो समय मेरे हिसाब से सही नहीं है जब भारत की अर्थव्यवस्था माइनस तेईस प्रतिशत पर चल रही है ऐसे में एकमात्र सेक्टर है जो चार प्रतिशत के आसपास या उससे ऊपर की ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है जो वाइब्रेंट है अभी भी कोरोना के इस आपकी कड़े काल के अंदर में कोरो, कोरोना के इस कड़े समय के अंदर में भी भारत का एकमात्र जो कृषि सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर है वही अपने आप को सस्टेनेबल बनाए हुए अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो बाकी सेक्टर्स तो है पूरी तरीके से इसकी चपेट में है ऐसे so, में आप एक सेक्टर सही काम कर रहा है आप उस सेक्टर को भी क्या कर रहे हो दोस्तों रिफॉर्म के तले दबा के उस सेक्टर में भी आप बदलाव कर रहे हो सो so, मुझे ये चीज थोड़ी सी अभी समझ में नहीं आई मुझे लगता है हां जरूरी है हमारी एग्रीकल्चर को हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा हमें आधुनिकरण करना पड़ेगा उसमें हमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए दोस्तों प्राइवेट सेक्टर को या कॉरपोरेट को उसके अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा हमें बिचौलियों को खत्म करना पड़ेगा मार्केट से ताकि किसानों को लाभ ज्यादा मिले हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किसान जो अपने जो अपना प्रोड्यूस है उसको कहीं भी बेच सके किसान अपने उत्पाद को कहीं भी सेल कर सके हमें एंश्योर करना पड़ेगा कि बीच में जो मिडिलमैन है बिचौली वो खत्म हो जाए और किसान को अधिकतम लाभ मिले ये बातें बिल्कुल जायज है बिल्कुल सही है बट मुझे ऐसा लगता है कि जो समय है शायद वो सही नहीं है और सरकार को ये चीजें आपका फेज मैनर के अंदर में करनी चाहिए ताकि किसानों को भी इससे डर ना लगे और सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी यहां पर पूरा हो जाए सो आर्ग्यूमेंट ऑफ फोर द लॉ मैंने क्या बोला अभी राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है तीन बिल पास किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा राष्ट्रपति ने बोल दिया भैया ओके की रिपोर्ट है कोई दिक्कत नहीं है और आर्ग्यूमेंट क्या की जा रही है सरकार का मानना क्या है दोस्तों सरकार की आर्ग्यूमेंट क्या है सरकार कह रही है दोस्तों कि ये जो एक्ट है ना ये एक्ट क्या क्यों दिए गए हैं द गवर्नमेंट क्लेम दीज एक्ट विल ट्रांसफॉर्म द इंडियन एग्रीकल्चर एंड अट्रैक्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सरकार बोल रही है है ना आपका जो आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा कि ये जो कानून है जो विधेयक पास किए गए हैं जो बिल पास किए गए हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भारत में लेके आएगी कृषि क्षेत्र के अंदर में लेके आएगी कौन से एक्ट पास हुए बात कर लेता हूं अब मैं कैसे आएगा प्राइवेट सेक्टर देखना इसमें पहला एक बिल है आपका दो फार्मर एंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन द प्राइसेंस एंड द फार्म सर्विस एक्ट 2020 ये पहला कानून है देखो लंबा चौड़ा कानून है फार्मर एंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट इट प्रोवाइड फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझते हो आप नहीं समझते मैं बता देता हूं लेस चिप्स बनाना चाहती है ठीक है है लेस क्या बनाती है? चिप्स बनाती है उसको उसके लिए आलू चाहिए बड़े बड़े आलू चाहिए उसको तो अभी वो क्या करती है दोस्तों ठीक है किसी से खरीदती होगी जैसा भी है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत क्या होता है दोस्तों लेस जो है वो ब, क्योंकि चिप्स बनाना तो उसको बड़े आलू चाहिए उसके लिए स्पेसिफिक उस साइज का आलू चाहिए तो लेस क्या करेगी दोस्तों लेस जो है किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बीज बीज सब देगी दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा बीज पेड़ पौधे सब वो खुद सप्लाई करेगी खुद क्वालिटी बताएगी कि इस प्रोडक्ट की ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी इंश्योर किया जाएगी किसान अपना लेबर देगा किसान उस पर अपनी खेती करेगा अपना रिसोर्स लगाएगा सो so, ऐसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसमें प्राइवेट और आपका किसान के बीच जिसमें प्राइवेट कंपनीज कॉर्पोरेट कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर के बीच में प्राइवेट कंपनीज और किसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है म्यूचुअली एग्री टर्म्स के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोस्तों आपका जो प्राइस है वो डिसाइड होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो अपनी टर्म्स है वो डिसाइड होती है दैट इज नॉन द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग So, मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन द प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 ये क्या करता है आपको ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्लॉज प्रोवाइड करता है अंडर विच फार्मर विल एबल टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स एज पर द कॉन्ट्रेक्ट विद द कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स फॉर अ म्यूचुअली एग्रीड रिमोनरेशन भाई किसानों के साथ में कंपनियां आएंगी कॉर्पोरेट कंपनी आएंगी वो आपका इन्वेस्टर आएंगे और भारत के किसानों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है 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 वो करेंगे बीच में खत्म डायरेक्ट कंपनी किससे कर कर रही रही आपका किसानों से कर रही है। लेकिन इसमें खतरा भी है है ना एक किसान तो बेचारे बहुत सारे किसान भारत के ऐसे हैं जो शायद अभी पढ़े लिखे नहीं है उनको इतना ज्ञान है नहीं और उनको बिना मतलब के उल्टे सीधे कानून में फंसा देगी उनकी मतलब लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी किसानों के लिए और वो मतलब जाल में फंस जाएंगे तो ये भी तर्क है तो उसका वितर्क भी है। सरकार कह रही है कि कि फार्मिंग बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है 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 जो जो किसान है, उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाए। लीगली वो उतने मतलब फंसा दें पहली बात दूसरा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन एंड फेसिलिटेशन एक्ट दो इट लिबरेट द फार्मर टू गिविंग दैम टू द फ्रीडम टू सेल देर प्रोडक्ट एनिवेयर दूसरा जो जो आपका है सरकार के अनुसार द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन अधिनियम दो हजार बीस किसानों अपने माल को कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है किसान को कहीं पर भी अपना माल बेच सकते हैं जरूरी नहीं है कि अपनी लोकल एपीएमसी के अंदर में ही वो प्रोडक्ट आपका बेचे ठीक है वो अपना माल कहीं पर भी बेच सकते हैं भारत के किसी भी कोने के अंदर वो माल बेच सकते हैं पहला प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेट आपका फार्मिंग और दूसरा जो लॉ है वो किसके लिए कि, कि किसान को फ्रीडम दी दी दी, दी गई है भैया तुम अपना माल कहीं पर भी बेचो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों फार्मर कंसर्ट क्या है सरकार की बात सुन ली आपने मैंने भी सुन ली मैंने आपको बता दी नाउ वट आर द फार्मर फार्मर की चिंता क्या है दोस्तों किसानों किसानों का किसानों की चिंता क्या है द प्रोटेस्टिंग फार्मर फियर्स दैट पावरफुल इन्वेस्टर वुड बाइंड टू द अनफेवरेबल कॉन्ट्रेक्ट ड्राफ्टेड बाय द बिग कारपोरेट लॉ फॉर्म्स विद लाइबिलिटी क्लॉज दैट वुड बी बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पुअर फार्मर इन मोस्ट द स्टेट मोस्ट ऑफ द केसेस किसान डरे हुए इसलिए दोस्तों प्रदर्शनकारी किसानों को डर है कि शक्तिशाली निवेशक उन्हें बड़े कॉर्पोरेट लॉ द्वारा तैयार किए गए प्रतिकूल अनुबंधों के लिए बाध्य करेंगे जिनमें जिन दायित्व जिन, जिन क्लोज होंगे जो ज्यादातर मामलों में गरीब किसानों को ही समझ से क्या होंगे परे होंगे और किसान इसके अंदर फंस जाएंगे आप समझ रहे हो ये कॉर्पोरेट बड़ी लॉ फर्म्स जो होती हैं उनके द्वारा बनाए गए कानून होंगे दोस्तों है ना भाई जो प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा तो उसका तो पूरा बैकिंग तो जंजाल में, में, साथ साथ में दोस्तों ये जो कानून पारित हुए हैं इससे पारित किए गए कि किसने सारे के सारे कानून पारित किए दोस्तों किसने पार्लियामेंट ने ठीक है पार्लियामेंट ने पास किए मतलब संसद ने पास किए मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने पास किए ऐसा ही तो है ना यूनियन गवर्नमेंट पास के लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं मैं आपको बोलूं कि जो एग्रीकल्चर है यानी कि जो कृषि है वो बेसिकली किसके अंदर आता है दोस्तों एग्रीकल्चरल इज अ स्टेट सब्जेक्ट एग्रीकल्चर कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों इट इज स्टेट सब्जेक्ट ये तो राज्य सूची के अंदर आता है एग्रीकल्चर जो है ना बेसिकली इट कम्स अंडर द स्टेट सब्जेक्ट ये तो राज्य सूची के अंदर आता है भाई और जब ये राज्य सूची के अंदर में आता है तो केंद्र सरकार यानी कि पार्लियामेंट ने इसको बदल कैसे दिया एक और महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे सामने आता है कि हाउ एग्जैक्टली exactly, पार्लियामेंट चेंज दिस लॉ बिकॉज द एग्रीकल्चरल इज टोटली स्टेट सब्जेक्ट एंड यह संविधान के अंदर बार बार लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर जो है वो राज्य की राज्य स्टेट सब्जेक्ट है कहीं पर भी मैंशन नहीं है कि एग्रीकल्चर कम अंडर देंट सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट ठीक है और अंडर द यूनियन लिस्ट अब ये क्या बोल रहा हूं मैं ये भी बता देता हूं टेंशन मत लो दोस्तों इस लिस्ट के बारे में बता देते हैं यही है फेडरलिज्म का सवाल फेडरलिज्म होता क्या है दोस्तों फेडरल फेडरलिज्म जो है यानी कि संघवाद संघवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों फेडरलिज्म फेडरलिज्मशियली मीन्स बोथ द सेंटर एंड द स्टेट हैव द फ्रीडम टू तो ऑपरेट इन देयर अलॉटेड स्पेस ऑफ पावर ऑफ कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर आप समझना मेरी बात को आपका फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि सरकार चाहे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त है केंद्र सरकार को भी उतने ही अधिकार प्राप्त है और राज्य सरकार को भी उतने ही अधिकार प्राप्त होते हैं सो so, ऐसे प्रणाली को हम बोलते हैं संघवाद प्रणाली फेडरल सिस्टम जो है इसका मतलब होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता के साथ में ऑपरेट करेंगी अपने अपनी पावरों का इस्तेमाल करेंगी और दोनों केंद्र और राज्य <laughs> राज्य सरकार दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन को सुनिश्चित करेंगे दोनों सरकारों के बीच में समन्वय बना रहना चाहिए संविधान ने भी इसको इंश्योर किया है दोस्तों किसके द्वारा सातवीं अनुसूची संविधान की सातवीं अनुसूची में आपका जो आपका पावर है जो उनको डिवाइड किया गया है सेपरेशन ऑफ पावर जो है और अगर मैं बोलूं आपका डिवीजन ऑफ पावर जो है डिवीजन ऑफ पावर का क्लोज भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंदर में बताया गया देर इजेंसियली आर द नाइनटी सेवन सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट ऑफ ऑन विच पार्लियामेंट हैलूसिव पावर टू द लेजिस्लेटिव आर्टिकल दो सौ छियालीस डिविजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कहता है किस ऐसे हैं जिस पर केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है आपका स्टेट गवर्नमेंट है सर्टेन देर आर सर्टेन मैटर ऑन विच ओनली दवर्मेंट कैन मेक द लॉ द यूनियन गवर्नमेंट हैज नो जोरिस्टिक्शन बट यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ इन सर्टेन सरकम राज्य सूची में भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर केवल और केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है और उसी राज्य सूची के अंदर में एग्रीकल्चर भी जुड़ा हुआ है कृषि भी उसी से संबंधित है तो केवल कृषि पर कानून राज्य सरकार ही बना सकती है पार्लियामेंट हैज द नो जोरिस्डिक्शन बट इन सर्टेन केसेस कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें बाप का केंद्र सरकार जो है पार्लियामेंट जो है वो राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है लेकिन ये वो केस तो है ही नहीं ये वो वाला केस भी नहीं है तो फिर कैसे है ना तो फेडरल स्ट्रक्चर को पूरा यहां पर चैलेंज हो, हो रहा है हमारा द स्टेट लिस्ट कंटेंट सिक्सटी सिक्स आइटम स्टेट राज्य सूची में छियासठ आइटम है दोस्तों जहां पर केवल केवल जो है आपका राज्य ही कानून बना सकता है एक लिस्ट और है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट यानी कि सूची इसमें सैतालीस सब्जेक्ट है दोस्तों जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं और ये जो सारा मैंने बताया ये फेडरलिज्म को इंडिकेट करता है दोस्तों मैंने आपको बताया किस शेड्यूल से है दोस्तों शेड्यूल सात अनुसूची नंबर सात संविधान की सातवें अनुसूची में आपका डिविजन पावर दिया गया है यानी कि शक्तियों का बंटवारा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है ना उसी के तहत में दोस्तों तीन सूची दी गई है आपका कौन कौन सी तीन सूची है दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया तीन लिस्ट है मेरे पास पहली है दोस्तों यूनियन लिस्ट ठीक केंद्री है केंद्रीय सूची दूसरी है दोस्तों मेरे पास क्या दोस्तों स्टेट लिस्ट और तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है दोस्तों द द थर्ड वन इज कंकरेंट लिस्ट लिस्ट तीन है है मेरे पास दोस्तों है ना जिसके अंदर बंटवारा हुआ है है ना चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बट द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द आइटम इन द स्टेट लिस्ट देखो हमने क्या कहा हमने कहा 66 आइटम है जिस पर स्टेट ही कानून बना सकती है लेकिन ऐसा नहीं है

इन द स्कीम ऑफ लेजिस्लेटिव पावर देखो भारत कहां आता है दोस्तों सॉरी भारत कह रहा हूं एग्रीकल्चर कहां स्टैंड करता है भारत के इस डिवीजन ऑफ पावर के अंदर एग्रीकल्चर कहां आता है दोस्तों टर्म रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चर प्लेस इन द शेड्यूल दोस्तों जो सातवीं अनुसूची है ना हमारी इसके अंदर एग्रीकल्चर शब्द का पंद्रह बार इस्तेमाल होता है लगभग लगभग कृषि संबंधित शर्तें जो है सातवीं अनुसूची में पंद्रह स्थानों पर होती है पंद्रह प्लेसेस पर ही आता है इट इज क्लियर दैट यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट पुट मैटर्स रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चर आउटसाइड द पार्लियामेंट जुडिसिक्शन एंड गेव स्टेट लेजिसलेटिव एक्सक्लूसिव पावर समझना मेरी बात को यह बात बिल्कुल साफ है दोस्तों यहां पर कि इस सूची के अंदर में कृषि से संबंधित मामलों को संसद के अधिकार से बाहर रखा गया है क्योंकि कोई भी मैटर जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका कंकरेंट लिस्ट के अंदर या यूनियन लिस्ट के अंदर नहीं है स्टेट को एक्सक्लूसिव जुडिडिक ज्यूरिस्डिक्शन दिया गया रिगार्डिंग दी पावर ठीक है रिगार्डिंग दी स्टेट को एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन वहां पर दिया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट इज सब्जेक्टेड एनी एंट्री इन यूनियन और कंकरेंट लिस्ट आप समझ लीजिए दोस्तों कहीं पर भी एग्रीकल्चर राज्य सूची के अंदर में कृषि के संबंध में कोई कोई प्रविष्ट संघ या संवर्ती सूची के अंदर कोई भी प्रविष्ट के अधीन नहीं है आप समझ जाइए मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों कृषि से संबंधित मामले जो है वो केवल राज्य सूची में है, तो राज्य कानून बना सकता है तो फिर पार्लियामेंट ने कहा से पावर ली और पार्लियामेंट ने कृषि संबंधी कानून बना दिए तो फेडरलिज्म भी जो है वो भी क्वेश्चन में है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी भी क्वेश्चन में है और हां फार्म एक्ट जो है वो तो क्वेश्चन में है ही है क्योंकि जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है गवर्नमेंट स्टेटेड व्यू ऑन द एग्रीकल्चरल मार्केट गवर्नमेंट का क्या मार्केट है कृषि बाजारों पर सरकार का दृष्टिकोण क्या है मैं बता देता हूं लगातार सरकार क्या कह रही है दोस्तों पांच मई 2015 को लोकसभा के अंदर सरकार ने बोला था कि जो एम सुब्रमण्यम है हमारे इंडिया के अंदर में ग्रीन रेवोल्यूशन के पापा तो उन्होंने बोला है ग्रीन रेवोल्यूशन के पापा ने बोला है कि भारत के अंदर में हमें जो आपका एग्रीकल्चर है उसको कंकरेंट लिस्ट में ऐड कर देना चाहिए ताकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सके दो में बोला सरकार ने ठीक है सरकार ने क्या बोला कमीशन ऑन फार्मर जो बनाया गया था अंडर द एम स्वामीनाथन जिसको हम स्वामीनाथन कमीशन बोलते हैं उसने सिफारिश की है कि आपका जो ये एग्रीकल्चर नाम है ना ये आप कंकरेंट लिस्ट में जोड़ दो ये किसमें जोड़ दो आप दोस्तों संवर्ती सूची के अंदर जोड़ दो ये बात को उसको शामिल करने की सिफारिश की कब पांच मई 2015 को उसके बाद में मार्च 27 2018 को द गवर्नमेंट येट अगेन टोल्ड द लोकसभा दैट इट हैज नो इंटेंशन टू इंसर्टिंग एग्रीकल्चर मार्केट इन द कंकरेंट लिस्ट लेकिन उसके बाद में सरकार ने 27 मार्च 2030 को लोकसभा में दोबारा बोला कि सरकार का अभी कोई इरादा नहीं है कि वो आपका कृषि को संवर्ती सूची में जोड़ दे तो सरकार ने उसने बोला कि सरकार का ऐसा भी फिलहाल कोई भी इरादा नहीं है कि वो जोड़ना चाहती है किसको कृषि को किसमें संवर्ती सूची में ये बात उसने क्लियर कर दी कि हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है अच्छा अब कुछ काम है आपको करना है दोस्तों रिलेटेड सर्च में मैंने बोला स्वामीनाथन कमीशन आपको देख लेना दोस्तों ये वही स्वामीनाथन जी हैं जो भारत के ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं जो हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं सो आपका भी धर्म बनता है कर्तव्य बनता है इनके बारे में थोड़ा पढ़े इस कमीशन के बारे में पढ़े सेवेंथ शेड्यूल अबाउट द थ्री लिस्ट जो तीन लिस्ट है मैंने बताया यूनियन और कनकरेंट लिस्ट बार बार मेरे पास बच्चे बोलते हैं सर ये रिलेटेड सर्च का काम होता ही नहीं है पर नहीं होता तो छोड़ दो फिर एक ही बात है लेकिन आप समझ जाओ कि ना होना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है समाधान नहीं है जो काम कर रहा है ऐसा तो नहीं है सब बच्चे नहीं कर पा रहे कुछ बच्चे तो कर रहे हैं मैं कह रहा हूं आप इस वीडियो को पंद्रह बच्चे देखते हैं तो मैं कहता हूं पंद्रह में से अगर मैं बात करूं तो 500 बच्चे तो कर रहे होंगे ना मैं ऐसा चलता हूं वो 500 बच्चे आपसे सोच लो कितने आगे आगे होंगे अब तो की। की आप कहां रहना चाहते हो, ये फैसला आपको करना है ढूंढने की जरूरत नहीं है मैंने सर्च का बहुत सिंपल फंडा बनाया इसको उठाओ लिखो स्वामीनाथन कमीशन बस इसके साथ साथ में एक चीज ऐड कर दो यूपीएससी अगर आप गूगल पे सर्च कर रहे हो तो इस प्रकार से सर्च करो है ना और अगर आप किताब ये तो बुक में मिल जाएगा आपको सेवन्थ शेड्यूल तो बुक में मिल जाएगा ठीक है पॉलिटी की बुक में है ठीक है ना तो ये मैं इसीलिए बताना चाहता हूं ताकि आप सब्जेक्ट से अवेयर हो जाएं ठीक है कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें लिखी हैं क्योंकि आप नए बच्चे हैं सारे के सारे और साथ ही साथ में जो करंट अफेयर रिलेटेड बाकी मुद्दे हैं वो भी हमारे यहां पर कवर अब देखो डिसाइड आपको करना है यार इट्स योर ड्रीम यू वॉन्ट टू बी एन आई मैं नहीं चाहता मेरे करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों अब आपके करने इक्वल पार्टिसिपेशन दिस प्रोसेस शुड बी टू वे यार अगर मैं अपने आप से पढ़ाता रहूंगा आप सुनते रहोगे तो कुछ नहीं होना भाई ठीक है ठीक है बेटर है कि आप यहां से भी बंद कर दो खुद से थोड़ी स्टडी करो वो आपके काम आएगी लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दिस थिंग्स विल बी फ्रूटफुल टू यू सो आपको काम करना पड़ेगा ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है आपको मैं एक्टिवली एंगेज कर रहा हूं यहां पर जनरली बच्चे यही करते हैं लेटे हुए काम करना पड़ेगा आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करना पड़ेगा आपको बहुत ही मेहनत से काम करना पड़ेगा और रिलेटेड सर्च से मैं ये एंश्योर करने की कोशिश करता हूं ताकि जो आज आपने पढ़ा उस पर आप वर्क करो मेरा तो धर्म है ये कि आपको मैं करूं बींग अ टीचर इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको कार्य में लगाऊं मैं तो करता हूं इस चीज से पर मुझे ये नहीं पता कि आप करते हो कि नहीं करते बच्चों के बिस वो ही आते कि सर टाइम लग रहा है दो घंटे लग जाते हैं तीन घंटे लग जाते हैं भाई टाइम तो लगेगा ना सेवेंथ शेड्यूल आपको पढ़ना है सेवेंथ शेड्यूल को देखना है इसकी लिस्ट पर न, आपको नजर डालनी है मुझे क्या लगता है टॉपिक आपका कम से कम 20 से से ले 20 लेकर 30 मिनट लगाएगा लेकिन उसके बाद में टॉपिक इतना हो जाएगा कोई बत पूछो बात आर्टिकल 246 जो टॉक्स अबाउट द सेपरेशन डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्र एंड स्टेट राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर एग्जीक्यूटिव पावर हो ठीक है किसी भी प्रकार की पावर ट्रेड रिलेटेड पावर हो सबके बारे में बताएगा तो ये पूरा टॉपिक जो है ना मैं बताऊं आपका ये वन आवर का तो है लेकिन आप एक बात बताओ अगर आपने टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर दिया तो आप कितने बच्चों से आगे हो जाते हो आप ही बता दो मुझे छोड़ दो मेरी बात तो चीज मैं इंश्योर करना चाहता हूं एंड नाउ अगेन इट्स इन योर हैंड आप क्या चाहते हो भाई मुझे नहीं पता मैं आपके लिए हर अथक प्रयास करने को तैयार हूं ठीक है आप जो बोलोगे मैं करने को रेडी हूं दोस्तों ठीक है आपने बोला सर करंट अफेयर बेस्ट चाहिए लो भाई बेस्ट लो मुझे मेहनत करनी पड़ रही है बट कोई बात नहीं बेस्ट लो आप आप लेकिन काम भी तो करो यार अब आप नहीं करोगे तो फिर मेरे से क्या उम्मीद करते हो कि मैं करता रहूंगा मैं भी नहीं करूंगा फिर ठीक है भाई तुम्हें नहीं करना फिर मैं सोचूंगा ठीक है भाई इनको करना ही बाहर में जाए इनको एंटरटेनमेंट चाहिए मैं एंटरटेनमेंट दूंगा दो तीन ऐसी बातें मारूंगा मैं भी निकल लूंगा आपने बोला कि सर ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ना है आपने बोला सर आपसे पढ़ना है एक नया चैनल आप लोगों के लिए बनवा दिया है ठीक है So, क्या मतलब मैं कहीं कमी नहीं रख रहा हूं दोस्तों आपके लिए लेकिन अब आपको भी अपने देखो ये या आपका सपना इट्स योर ड्रीम पैशन होना चाहिए आपके आपके भी फोड़ देंगे मतलब करना है तो करना है ठीक है आपके मन में लगता नहीं कि अभी आपको जब आई बनोगे तो क्या होगा अरे क्या प्रेस्टीज होगी क्या सोशल स्टेटस क्या रिकॉग्निशन मिलेगी आज हार से मत डरो मुझे पता है दोस्तों आज आप हार से डरे हो जब कोई काम नहीं होता तो आप अपने आप को पीछे खींच लेते हो सोचते हो कि मैं इससे तो नहीं होगा मेरे से बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे नहीं इंटेलिजेंट वो बनेगा सिलेक्शन उसका होगा जो आज से काम करेगा और भैया जो काम नहीं करेगा ना भाई ठीक है घर रहो अपने तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो अब अब मेहनत नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा मैं लिख के दे देता हूं ये बात लो लिख देता हूं आपका कुछ नहीं होगा अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो लेकिन आज से मेहनत करो मैं कह रहा हूं आप कितने भी अपने आप को आप सब क्यों ना समझते हो कि भैया आप बैक बेंचर टाइप के हो ठीक है मैं कह रहा हूं फाड़ दोगे एग्जाम को लेकिन कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए लेकिन मुझे आपके अंदर में वो मेहनत चाहिए मुझे आपके अंदर में वो लगन चाहिए आप मुझे एक साल अपने आप को मुझे समर्पित कर दो मैं आपको सिलेक्शन ढूंढ के दूंगा आपका एक साल मेरी बात को फॉलो कर लो एक साल मैं आपको सिलेक्शन दूंगा आप मुझे एक साल दो बस मैं आपको आई एस बना के दूंगा ठीक है लेकिन एक साल मुझे मतलब वो आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी मैं बोलूंगा एक टांग पे खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाओ उसके अंदर में क्वेश्चन मत करो दोबारा जब अर्जुन ने कृष्ण ने पूछा था ना जब अर्जुन और श्री कृष्ण पहली बार मिले थे द्रौपदी के स्वयंवर में तो अर्जुन ने बहुत कुछ सीखा किससे श्री कृष्ण से तो उन्होंने बोला कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं मैं मैं आपसे आपसे शिक्षा शिक्षा प्राप्त करना चाहता। मैं आपसे शिक्षा करना चाहता चाहता हूं हूं ग्रहण तो श्री कृष्ण ने पहली बात ही बोली कि ऐसा बहुत सारे समय आएंगे जब आप मेरे साथ रहोगे और आप मेरे से शिक्षा ग्रहण करोगे आप मेरे शिष्य भी बनोगे लेकिन मेरा प्रथम नियम सुन लो कि कभी भी मैं आपको कुछ बोलूं मैं आपको कुछ कहूं करने को तो आप उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं उठाओगे आप उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाओगे आप उसके अंदर में यह नहीं कहोगे कि यह करना है नहीं करना उस स्टेटमेंट पे संदेह नहीं करोगे तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों मैंने पूरा वर्क किया है अगर आप चाहते हो मैं आपको गाइड करूं ठीक है अगर आप चाहते हैं मैं आपका मार्गदर्शन करूं सो मुझे करने दो, दोस्तों आप उन चीजों को क्वेश्चन मत करो ठीक है ट्रस्ट मी कोई भी चीज आपसे मैं फालतू की नहीं करा रहा हूं ये सब चीजें मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो आप एक हाई पे, उस पे पेडस्टल पे हो बाकी लोगों के मुकाबले अगर आपको आगे रहना तो करिए नहीं रहना तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों ठीक है कोई कहावत सुनी आपने ठीक है हरियाणा में कहावत बहुत प्रचलित है मेरे पापा पाप सुनाया करते हैं मेरे को ठीक है बेटा कुछ कर है ना अगर कुछ चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा पहले ऐसे नहीं कि तू ऐसे ही सोचता रहे सोचता रहे सोचता रहे भगवान दे दे वो एक आदमी था वो रात दिन रात एक ही जप लगाया जाता था शिव जी का भक्त था है ना शिव जी का भक्त था मतलब भोले बाबा को जानते भोले बाबा की पूजा करता था सो शिव जी से दिन रात एक ही बात कहता रहता था कि भगवान कुछ दे दे बस बहुत तगड़ा दे दे इतना तगड़ा दे दे कि मतलब छप्पर फाड़ के दे दे मैंने सुना है तू सबको छप्पर फाड़ के देता है तो मुझे भी छप्पर फाड़ के दे दे ठीक है दिन रात वही यही पूजा करता रहता भगवान बस दे दे छप्पर फाड़ के दे दे बस दे दे छप्पर फाड़ के दे दे ठीक है तो भगवान को याद किया गया तो भगवान तक बात भी पहुंची रोज महादेव और पार्वती जी का सिंहासन हिलता था ठीक है तो पार्वती जी एक दिन बोलती है शिवजी बाबा से शिवजी से बोलती है कि काम करो इस भक्त की सुन लो इसने नासा में दम कर रखा है रोज सिंघासन हिलता हमारा इसने परेशान कर रखा है इसकी सुन लो इसको दे दो ये क्या मांग रहा है तो शिवजी कहते हैं भगवान एक बात बता ये कह रहा है छप्पर फाड़ के दे दे लेकिन छप्पर फाड़ने के लिए छप्पर होना भी तो चाहिए इसके पास तभी तो फाड़ दू अगर कुछ चाहिए तो करना भी तो पड़ेगा अगर नहीं कर रहे तो कहां से मिल जाएगा अगर आपको छप्पर फाड़ के चाहिए ना दोस्तों तो पहले छप्पर बनाओ जब छप्पर बनेगा तो छप्पर फटेगा ठीक है तब आपको कुछ मिलेगा समझ रहे हो मेरी बात ठीक है सो so, करना पड़ेगा दोस्तों आइए ऐसे ही नहीं बना जाता मेहनत होती है और वो मेहनत आखिरी के दिनों में नहीं होती कई बच्चे सोचते हैं आखिरी में पढ़ेंगे आखिरी आखिरी में कोई बैरिस्टर नहीं बन रहा है यहां से आखिरी में नहीं पढ़ पाओगे आप कुछ भी आज से पढ़ना पड़ेगा अभी से पढ़ना पड़ेगा ठीक है सो रिलेटेड सर्च का काम देखो नहीं होता है तो छोड़ दो बट मैं क्या कहता हूं जो ये काम करेगा ठीक है वो आज से एक साल के बाद में या आज से सात महीने के बाद में उस बच्चे का कोई तोड़ नहीं होगा ये मैं गारंटी दे रहा हूं ऑल इंडिया मैं इस मंच पे खड़ा के बोल रहा हूं उसका कोई तोड़ नहीं होगा चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रलिम स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है दोस्तों अबाउट द फार्म बिल आपसे फार्म बिल के बारे में सवाल पूछ सकते हैं आपसे एपीएमसी के बारे में पूछ सकते हैं दोस्तों एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बारे में पूछ सकते हैं आपसे आपसे यूनियन वर्सेस स्टेट लिस्ट के के बारे में पूछ सकते हैं। के बारे में में पूछ पूछ सकते सकते हैं हैं फेडरलिज्म कि फेडरलिज्म क्या होता है ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है मेन स्पेसिफिक सवाल क्या दोस्तों जिस प्रकार फेडरलिज्म का आप, आपका वर्ड कहीं पर कुछ वर्ड है जो संविधान के अंदर में कहीं चिन्हित नहीं किए गए मैंशन नहीं किए गए फेडरल शब्द जो है फेडरलिज्म जैसे जो शब्द है ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सेपरेशन ऑफ पावर दे आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एनी वेयर बट स्टिल वी फॉलो दिज प्रैक्टिस ठीक है वाई ठीक है आपको इसके बारे में डिस्कस करना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं संविधान में तो मैंने कुछ बताई है कुछ चीजें ऐसी हैं संविधान के अंदर में जो आपका क्या है जो कहीं चिन्हित नहीं है जो कहीं पे लिखी ही नहीं है लेकिन अगर मैं बात करूं आपका सो स्टिल जो है वो क्या होता है स्टिल उनके ऊपर हम वर्क करते हैं उनके ऊपर हम काम करते हैं तो आपको भी उसके बारे में मुझे यहां पर डिस्कस करना है चलो दोस्तों नई बात है चाइना के अंदर में एक और नया वायरस आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू ठीक है कि चाइना जो है लगातार ऐसे वायरस को जन्म देता आ रहा है दोस्तों ठीक है तो चाइना के मच्छर जो है चाइना के मच्छर और वियतनाम के जो पिग है सुअर जो है इनके अंदर में एक नया आपका

सर्विस रिलेटिंग टू द हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स इश्यू रिलेटिंग टू द पॉवर्टी एंड पॉवर्टी एंड द हंगर तो इससे रिलेटेड है आपका जीएस पेपर टू से संबंधित है चलिए सवाल के बारे में बात कर लेते हैं कॉन्टेक्ट क्या इट्स अबाउट द वायरस मैक्सिमम कंटेनमेंट लेबोरेटरी एंड द आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हैव नोटेड द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द कैट क्यू वायरस इनटू द टू ह्यूमन सीरम सैंपल तो भारत में बेसिकली आईसीएमआर जो है और उसके साथ साथ में आपकी जो मैक्सिमम कंटेनमेंट लेबोरेटरी है दोनों ने मिलकर कुछ ह्यूमंस के सैंपल्स लिए थे भारत के अंदर में तो उनके उनके जो 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 सीरम है है आपका ब्लड से उन्होंने लिया था उसके अंदर में antibody मिली है, किसके against में एंटीबॉडी मिली किसके अगेंस्ट कैटक्यू वायरस और एंटीबॉडी का मतलब क्या है कि वो लोग कैटक्यू वायरस से प्रभावित हुए थे और उन्होंने अपनी प्रतिरक्षा डेवलप किया तो इसी वजह से उनकी बॉडी में एंटीबॉडी मिली मतलब भारत के अंदर में भी जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसके अंदर में इस वायरस को

अगर हम बात करें दोस्तों तो एक ग्रुप है जो मनुष्य और आपका जो लाइवस्टॉक्स स्टॉक्स है जो हम पशु पालते हैं दोनों को इक्वल रूप से क्या करता है दोस्तों प्रभावित करता है पहली बार इसको 2004 के अंदर में मच्छरों से आइसोलेट किया गया था फर्स्ट आइसोलेटिन इन 2004 फ्रॉम द मॉस्किटोज ड्यूरिंग द सर्वेलेंस ऑफ द एक्टिविटी इन द नॉर्दर्न वियतनाम पहली बार इसको वियतनाम के अंदर आइसोलेट किया गया था वियतनाम के अंदर मच्छरों में से इसको डिटेक्ट किया था चार के अंदर आग एस सीओ एट जीरो सिक्स विच वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द मॉस्किटो सैंपल कलेक्टेड इन चाइना इन दो हजार छह और दो हजार आठ उसके बाद चाइना के मच्छरों में से भी इस वायरस को दोस्तों आइसोलेट किया गया था वायरस के इस नमूने के जो है सीक्यू स्ट्रेन जो है जिसे 2006 और जो आठ में चीन से एकत्रित किए गए मच्छरों के नमूनों में से अलग किया गया था वट द स्टडी से अध्ययन क्या कहता है दोस्तों इस वायरस के नमूनों के बारे में जो हमने स्टडी की उससे अध्ययन जो है वो क्या कहता है समझिएगा दोस्तों द प्रेजेंस ऑफ कैटक्यू वायरस हैज बीन लार्जली रिपोर्टेड इन द क्लूएक्स मॉस्किटोज इन द चाइना एंड द पिग्स ऑफ वियतनाम चाइना के कुछ मच्छर हैं दोस्तों ठीक है चाइना के मच्छर का नाम क्या है आपका क्लूलेक्स क्लूलेक्स मच्छर है चाइना के और साथ साथ में जो वियतनाम है वियतनाम के क्या है दोस्तों सुअरों के अंदर में कैटक्यू वायरस की उपस्थिति को काफी हद तक बताई जा रही है बताया जा रहा है कि चाइना और वियतनाम चाइना के मच्छरों में और वियतनाम के सुअर के अंदर यह कैटक्यू वायरस जो आपका ये है हाउ कैन ह्यूमन गेट्स इन्फेक्टेड देखो मनुष्य कैसे प्रभावित हो सकता है इससे दोस्तों ह्यूमन कैन इन्फेक्टेड थ्रू द मॉस्किटोज एज वेल भाई आदमी को मच्छर काट लेगा आदमी प्रभावित हो जाएगा इससे आदमी भी संक्रमित हो जाएगा इस वायरस से कैटक्यू वायरस से साथ ही साथ में जो डोमेस्टिक पिग्स हैं जो आपके जो जो जहां पर पशुपालन किया जाता है बेसिकली सुअर पाले जाते हैं वहां पर भी यह जो है आपका फैल सकता है जो सुअर जो है जो इससे मतलब इंफेक्टेड है और हम अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हमें भी यह हो जाएगा सो बेसिकली मच्छर और मैमल्स के अंदर अगर हम बात करें तो पिग जो है दे आर एज द प्राइमरी होस्ट ज दिस वायरस डेंजरस क्या यह वायरस खतरनाक है सर क्या ये कोरोना की तरह लॉकडाउन करा सकता है दोस्तों इट इज नॉट क्लियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी तक ये बात साफ नहीं है कि ये खतरनाक है या नहीं है अदर वायरस दैट बिलोंग्स टू द सेम जीनस एज सी क्यू वी सी क्यूवी एंड आर सिमिलरली ट्रांसमिटेड थ्रू द मॉस्किटोज इंक्लूडिंग द आपका कैच वैली वायरस एक और भी है ठीक है कैच वैली वायरस भी ऐसे ही फैलता है ठीक है दैट कैन कॉज मैग्नेटिस ठीक है मैनिग्निट्स एंड दी ला क्रोस वायरस दैट कैन कोज पीडियाटिक एनसेफिलिटस समझ में आ रही है तो ये दो वायरस और भी है दोस्तों एक का नाम क्या है दोस्तों कैच वैली वायरस और दूसरा का नाम क्या है दोस्तों ला क्रोस वायरस सो ये सेम ग्रुप के हैं ठीक है सेम ग्रुप के हैं दोस्तों कैटक्यू वायरस पहला दूसरा आपका कैच वैली वायरस और लाकोर्स वायरस ये तीनों एक ही फैमिली के हैं और तीनों मच्छरों से फैले जाते हैं समझ में आ रही बात सो एक नया वायरस जो है डिटेक्ट हुआ है दोस्तों ह्यूमन सीरम के अंदर ह्यूमन ब्लड सीरम के अंदर एक नया जो है वायरस डिटेक्ट हुआ है एंटीबॉडीज मिली हैं भारत के अंदर में तो एक नए वायरस का जो है जिक्र यहां पर आया है दोस्तों वायरस के नाम से हम डर जाते हैं दो ही बंदो मिला लेकिन हाँ हमें खौफ का जो नजारा है वो आप साफ साफ मेरे चेहरे पर देख सकते हो किस तरीके से मैं आपको भी खौफ में करना चाह रहा हूं मैं आपको इस डर से भरपूर करना चाह रहा हूं ताकि आप भी डरे इस वायरस से ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों सो so, इंसान संक्रमित कैसे होगा मैंने बताया तो मच्छर काट लेगा या आपका जो घरेलू सुअर है उनसे भी हम क्या हो सकते हैं दोस्तों प्रभावित हो सकते हैं वायरस खतरनाक है ये स्पष्ट नहीं है लेकिन हाँ ये इसके समान जीनस के वायरस हैं जो पाए जाते हैं दोस्तों जिसमें कैच घाटी वायरस आता है और लाक्रोस वायरस आता है जो बाल चिकित्सा एन, एन, आपका एनसेफिलिटस और आपका बेसिकली आपका मैग्निग्नाइटस के को मतलब करता है ठीक है अच्छा प्रलिप स्पेसिफिक आपसे क्या पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कैटक्यू वायरस के बारे में पूछ सकते हैं व्हाट इज द कैटक्यू वायरस क्या है है ना में सवाल आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द वायरस आपसे पूछा जा सकता है हाउ इट स्प्रेड कैसे फैलता है, है ना? दोनों सवाल कि यार बच्चों को नहीं देते यार, का का काम बच्चे परेशान है मैंने रिलेटेड सर्च का, का काम बंद कर दिया है आगे बढ़ते हैं दोस्तों हाइड्रोजन एंड रिच कंप्रेस नेचुरल गैस तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन है ना दोस्तों उसने एक नया फैसला लिया है नया फैसला क्या लिया अभी जो हमारी सी बसें हैं दोस्तों उन सी बसों के अंदर अगर हम बात करें जो सी एन हैं उसके अंदर हम कंप्रेस नेचुरल गैस जो यूज करते हैं उसी में एक नया निर्णय लिया गया क्या कि जो हमारे सीएनजी के स्टेशन हैं वहां पर में हम हाइड्रोजन स्टोरेज और सुनिश्चित करेंगे और जब आप सी भरोगे ना तो आप सीएन के अंदर अब हाइड्रोजन गैस भी मिश्रित करोगे इससे क्या होगा जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है अगर आप उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो उनका कंबर्शन अच्छा हो जाएगा क्या होता है ना जब भी हम हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो बहुत सारा मटेरियल तो अनबर्न चला जाता है जलता ही नहीं है फ्यूल एफिशिएंसी उस लेवल की नहीं आ पाती तो अब हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे ना तो पहली बात तो जो हाइड्रोकार्बन है वो फुल्ली कंबस्ट होंगे पूरी तरीके से जलेंगे साथ ही साथ में उनसे जो अनवांटेड गैसेस अनवांटेड हार्मफुल गैसेस हैं वो भी कम प्रोड्यूस होंगी ठीक है वो बहुत कम प्रोड्यूस होंगी ये बात भी बोला गया साथ ही साथ में जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ जाएगी ठीक है क्या बढ़ जाएगी दोस्तों आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और इसके लिए जरूरी जो प्रावधान थे उनको बदल दिया गया जरूरी प्रावधानों में बदलाव कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इसको परमिशन दे दी है कि भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप हाइड्रोजन एंड रिच कंप्रेस नेचुरल गैस बना लो पहले सिर्फ सी थी अब आप एच सी कर लो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम हैं जिनके बारे में डिस्कस करूंगा आपका अब ये जीएस पेपर थ्री का भाग है दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देर एप्लीकेशन एंड द इफेक्ट्स इन द एवरी डे लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ द इंडिया इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडियन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी जीएस पेपर थ्री का हिस्सा है साइंस एंड टेक का पार्ट है दोस्तों आपका ये सिर्फ साइंस एंड टेक कहकर मैं छोड़ सकता था बट नहीं आपको पूरा सिलेबस याद करना है हाइड्रोजन एनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एचसीएनजी ये क्या होता है दोस्तों सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज अलाउड यूज ऑफ एचसीएनजी लगभग 18% जो है वो मिक्स कर दिया जाएगा सीएनजी इंजन के अंदर में ठीक है चलो मैं आपकी बात मानूंगा नेहा से ऊपर पुष्पांजलि और पूजा जो हैं वो कुछ कह रहे हैं ठीक है आपकी बात मानी जाएगी चलो देख लेते हैं ठीक है पीडीएफ यार मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा बच्चों से आप पूछ सकते हो आपकी वो हेल्प कर देंगे मेरे टेलीग्राम चैनल को ढूंढने के लिए सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अलाउ कर दिया कि भैया आप अट्ठारह प्रतिशत हाइड्रोजन मिक्स करके चला सकते हो किसमें सीएनजी के अंदर कोई दिक्कत नहीं अट्ठारह प्रतिशत सीएनजी ठोको उसके सीएनजी के अंदर आप हाइड्रोजन मिक्स करो और चलाओ बैकग्राउंड समझना इसके लिए जो हमारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ना बी है, उसने एक भी बना दिया है ये जो नया बनेगा ना मिक्स होके उसके लिए बी ने एक स्टैंडर्ड भी बना दिया है जिसको हम बोल रहे हैं आपका हाइड्रोजन रिच कंप्रेस नेचुरल गैस तो इसके लिए आपका दोस्तों एक स्टैंडर्ड भी बना दिया है जिसको हम ऑटोमेटिक के लिए इस्तेमाल करेंगे आगे चलते हैं दोस्तों वट इज एच है क्या एच सर है क्या समझ लो द ब्लैंडिंग ऑफ हाइड्रोजन विद प्रोवाइड्स अ ब्लेंडेड गैस एज द जब आप हाइड्रोजन सी एनजी के साथ मिश्रित कर देते हो तो उसी को एच कहा जाता है ठीक है इसे हम इस्तेमाल कर सकते कहा पेट्रोल डीजल उसके स्थान पर डीजल के स्थान पर फ्यूल एंड प्रोपेन के स्थान पर एलपीजी के स्थान पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जब आप इसको जलाओगे तो इससे जो अनडिजायरेबल गैस है जो अवांछनीय गैस है वो भी कम बनेगी अगली बात नोटिफिकेशन फॉर द अमेंडमेंट टू द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल उन्नीस सौ नवासी फॉर द इंक्लूजन ऑफ द एच सी एनजी ऑटोमोटिव फ्यूल हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड आपको मैं बता दूं दो दोस्तों इससे संबंधित मोटर वाहन ईंधन के रूप में आपका जो एच सी एनजी है उसको शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम उन्नीस सौ नवासी में संशोधन कर दिया गया है दोस्तों पहले से ठीक है और उस अधिसूचना को प्रकाशित भी आपका कर दिया तो एच सी एनजी क्या है आपको समझ में आ गया हाइड्रोजन को मैं सी एन जी में मिक्स कर रहा हूं ठीक है और उसका इस्तेमाल करूंगा दोस्तों मैं किस में किसमें आपका ऑटोमोटिव फ्यूल के रूप में यही बात यहां पर की जा रही यही बात यहां पर कही जा रही है ठीक है और इसके लिए हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे कानून के अंदर मोटर व्हीकल रूल के अंदर तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन भेज दी गई है ठीक है इट रिक्वायर्स ओनली अ स्मॉल हाइड्रोजन अब इसके लिए क्या बोल रहा है पता ये भाई अब हाइड्रोजन मिक्स करके करोगे तो कैसे करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस भी तो है हमारे सामने लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों ये बोल रहे हैं इसके लिए हमें कुछ नहीं करना जो सीएनजी स्टेशन है ना वहीं पर हमें हाइड्रोजन का एक कंपार्टमेंट रखना पड़ेगा और एक चैम्बर हमें हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए कंपार्टमेंट बनाना पड़ेगा और एक चैम्बर हमें ऐसा बनाना पड़ेगा जहां पर आप सीएनजी और हाइड्रोजन को मिक्स कर सको बस छोटी सी प्रोसेस है एचियन इज इजी सेफ टू यूज देन द हाइड्रोजन एज इट कंटेन्स वेरी लो एनर्जी कॉन्टेंट फ्रॉम द हाइड्रोजन कह रहे इस्तेमाल करना सेफ है इसको हाइड्रोजन में तो बहुत हाई लेवल एनर्जी कॉन्टेंट होता है बट इसमें इतना नहीं होता एच सी एनजी रिड्यूस द इंजनबर्न हाइड्रोकार्बन एंड स्पीड अप प्रोसेस ऑफ अपर्शन मतलब पावर भी बढ़ेगी क्यों क्योंकि जो एच सी एनजी है ना ये हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को कम करने वाले इंजनों को आ, ये आपका आपका जो एमिशन है उत्सर्जन जो है जो गैस होती है उनको कम करता है साथ साथ में जो दहन की प्रक्रिया उसको क्या करता है दोस्तों आपका तेज करता है हाइड्रोजन की तुलना में उपयोग करना आसान है और सुरक्षित है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन से ऊर्जा की मात्रा थोड़ी सी क्या होती है दोस्तों कम होती है आगे बढ़ते हैं दोस्तों इंजन फ्यूल एफिशिएंसी इज इंप्रूव्ड बाय ब्लेंडिंग द सीएनजी फ्रॉम हाइड्रोजन व्हिच लोअर द फ्यूल कंजम्पशन ऑफ द वहीकल अगर आप वहीकल के अंदर सी के अंदर अगर आप हाइड्रोजन को ब्लेंड कर देते हो तो आपका फ्यूल बर्निंग कैपेसिटी ठीक है वो बढ़ जाती है ठीक है समझ पा रहे हो आप इंजन की जो कंबर्शन है वो बढ़ जाता है ठीक है कंबर्शन बढ़ जाता है तो उसके बाद में आपकी जो एफिशिएंसी है उसकी वो भी इंप्रूव हो जाती है ब्लेंडिंग द सी फ्रॉम हाइड्रोजन विच लोअर्स द फ्यूल कंजम्पशन ऑफ द वहीकल इससे आपका जो वहीकल का फ्यूल कंजम्पन्स है वो कम हो जाता है थर्मल एफिशियंसी एंड द फ्यूल इकोनोमी इज ऑल्सो इंक्रीज बाय द एच सी इससे फ्यूल की जो एफिशिएंसी है और जो इकोनॉमी है दोनों बढ़ जाती है लेकिन देखो दोस्तों ये बात सिर्फ पेपर पे अभी टेस्ट थोड़ी ना किया है वास्तव में जब आप मिला दोगे जब आप हाइड्रोजन सीएनजी में मिला दोगे और टेस्ट करोगे तब रिजल्ट आएगा ना तो अभी आप ये बात तो सिर्फ अंदाजे से कह रहे हो लेकिन खतरा क्या है दोस्तों हो सकता है जब आप हाइड्रोजन मिक्स कर दो ठीक है एक परसेंट को परफॉर्मेंस बढ़ तो जाए लेकिन जो ड्यूरेबिलिटी है वो घट जाए हो सकता है अभी तक इंजन काम करता है दस साल और ये करने के बाद इंजन काम करे सिर्फ तीन साल तो वो चीजें अभी खतरा है पहली बात दूसरी बात ये हाइड्रोजन को स्टोर करना हाइड्रोजन को लेके जाना वो अपने आप में एक इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हमारे सामने रहेगा कैसे बनाएंगे कैसे इसको सप्लाई करेंगे तो हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी चुनौती रहेगी साथ ही साथ में दोस्तों सिस्टम परफॉर्मेंस के बारे में और मटीरियल कंपेटिबिलिटी के बारे में अभी हमें नहीं पता एमिशन टेस्टिंग जो है वो इसकी होनी चाहिए पहले और वो हमने की नहीं है अभी एमिशन टेस्टिंग करनी चाहिए हमें वेरियस रेंज ऑफ हाइड्रोजन के साथ तब जाके हम बात करेंगे ठीक है अब आपने बात बोली है ठीक है तो मैं दे देता हूं छोटा काम देता हूं लेकिन है ना ज्यादा नहीं देता परेशान ज्यादा मत हो आप एलसीएनजी के बारे में पढ़ो मैंने एच सी बताया आप एल सी के बारे में पढ़ो एल सी क्या होती है मैंने आपको हाइड्रोजन सी के बारे में बताया अब आप मुझे एल सी के बारे में बताओगे पढ़ोगे कुछ नहीं करना आपको एल सी सर्च करना है नॉर्मल मिल जाए नहीं मिले पहले सर्च करना यूपीएससी लगा के ठीक है कोई भी टॉपिक सर्च करना है ना अगर आपको गूगल पे ये टॉपिक किताब में तो मिलेगा नहीं तो आपको गूगल करना पड़ेगा तो जब गूगल करोगे दोस्तों तो आप क्या करोगे एल सी एन जी लिख के वहां पर बस उसके साथ में लिख देना यूपीएससी स्पेस दे के ठीक है स्पेस देना और क्या लिख देना यूपीएससी आपको आपका जवाब जो है मिल जाएगा अलग अलग साइट खुलेंगी प्रिलिम्स में आपसे क्या सवाल पूछा जा सकता है आपसे एच के बारे में पूछ सकता है आपसे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पूछ सकता है आपसे हाइड्रोजन सीएनजी वर्सेस एल सी के बारे में पूछ सकता है एच और एल सी के बारे में पूछ सकता है मेन स्पेसिफिक सवाल क्या है दोस्तों व्हाट इज एच सी एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज डिस्कस ठीक है आपको क्या करना है दोस्तों इसको डिस्कस करना है कि क्या है एच और क्या है इसके एडवांटेज अब ये मत कहना सर कि ये कैसे करेंगे अरे पूरा टॉपिक इसी के ऊपर तो कराया एच सी के ऊपर ही इसकी एडवांटेज सब बताया तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ठीक है बताया तो हमने जो अनबर्ट जो उत्सर्जन के अंदर कंबर्शन में अनवांटेड गैस है हार्मफुल गैस है वो कम निकलेंगी सारी तो बात बता दी मैंने आपको अब बच क्या गया इसमें ठीक है हो जाएगा ओके की रिपोर्ट चलो अब देखो मैंने एक ही दिया इसमें रिलेटेड रिसर्च ठीक है थोड़ा कम दे दूंगा और क्या करें भाई अगली बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक ऑफेंडर ये माल्या टाइप का टॉपिक है दोस्तों माल्या टाइप से रिलेटेड है कब हम बोलते हैं फ्यूजेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कब बोलते हैं दोस्तों भारत के अंदर में आपके दो महत्वपूर्ण आपके ब्लैक मनी से लड़ने के लिए कानून है उसमें एक है प्रिवेंटिव प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ठीक है पीएमएलए एक्ट जिसको हम बोलते हैं दो भारत के अंदर में मुख्य कानून है जिनसे हम ब्लैक मनी जो है उसको हम रोकते हैं और उसमें से ही एक क्या है दोस्तों आपका उसमें एक नियम है आपका पीएमएलए एक्ट प्रिवेंटिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ठीक है और दूसरा एक्ट कौन सा है सर बताओ मुझे आप दूसरा एक्ट बताओ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट सो इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं एक बुरी बीमारी है और उस बीमारी का नाम क्या है दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग ठीक है, ब्लैक मनी मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना है तो भारत में उसके लिए दो एक्ट है। पहला पी एम एल ए दूसरा क्या है दोस्तों ये तो पहला एक्ट है दूसरा एक्ट क्या है मेरे पास दूसरा एक्ट है दोस्तों फेमा फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट और दोनों का जो जुरिस्डिक्शन है वो किसके पास है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास इन दोनों को लागू करने की जिम्मेदारी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास में होती है तो भारत में ब्लैक मनी जनरेट ना हो और उससे संबंधित मामले जो है उनकी जो जांच पड़ताल है कौन करती है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट करती है अब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास में एक शिकायत आई सीबीआई से इसके पास में एक शिकायत पहुंची और उस शिकायत पर काम करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तहकीकत करनी शुरू की जब शुरू की तो उसने पाया कि यार ये तो बहुत लोचा है इसके अंदर बैंक के साथ भी फ्रॉड किया गया है टैक्स पेमेंट नहीं हुई है है ना और कुछ इलीगल ट्रांजेक्शन भी वहां पर है अभी मैं बताऊंगा कि इस कंपनी में ऐसा हुआ है तो उसने एक स्पेशल कोर्ट को अप्रोच किया स्पेशल कोर्ट ने नोटिस किया कि भाई ठीक है इस कंपनी फलानी कंपनी के हम क्या करते हैं आसेट आपके सीज करते हैं आपकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा रहा है ठीक है आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ, कर सकते और आपको टाइम दिया गया आपको नोटिस दिया गया नोटिस के बाद एक समय दिया जाएगा आपको उस समय में आपको कोर्ट के सामने हाजिर होना है जैसे माल्या को दिया गया था माल्या भाग्या कहां पे माल्या भाग्या इंग्लैंड के अंदर ठीक है माल्या आया ही नहीं अब एक टाइम होता है उस टाइम के अंदर अगर आप वापस कोर्ट की अथॉरिटी के सामने आ जाते हो अगर उसके सामने आप उपस्थित हो जाते हो तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है फिर आपके केस की के सुनवाई होगी आपको बताना पड़ेगा क्या क्या है क्या क्या है क्यों क्यों है और कैसे कैसे अगर आप नहीं आए तो फिर आपको भगोड़ा करार दे दिया जाएगा आपको बोल दिया जाएगा इस एक्ट के तहत में कि यू आर इकोनॉमिक फ्यूजिव इकोनॉमिक ऑफेंडर आपको ऐसा उपाधि मिल जाएगी आप इस उपाधि को विद इन थर्टी डेज मात्र 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो। ये होगा कौन करेगा स्पेशल कोर्ट अगर आपको लग रहा है कि अनफ़ेयर है, तो आप इसको तीस दिन के अंदर हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं फ्यूजटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर स्पेशल कोर्ट हैजिक्लेर थ्री पीपल फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इन द स्टर्लिन बायोटेक केस ऑन द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट रिक्वेस्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिक्वेस्ट की है और उसके रिक्वेस्ट के ऊपर स्टर्लिंग बायोटेक जो है उसके केस के अंदर में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी उसकी इस रिक्वेस्ट के ऊपर दोस्तों उन तीनों को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है डिक्लेयर कर दिया गया है स्पेशल कोर्ट के द्वारा वट इज द इशू इशू क्या है दोस्तों ईडी जो है आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो अक्टूबर 2007 में स्टर्लिंग बायोटेक और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा था ठीक है मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही थी एक मामले में एजेंसियों ने अज्ञात आयकर विभाग के अधिकारी से संबंधित धन की की कथित रूप से रूटिंग की, रूटिंग देखी है 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 जबकि दूसरा दूसरा मामला है क्या? दूसरा मामला क्या दोस्तों कि 81, 80, 80 करोड़ का बैंक का जो ऋण है वो भी इन्होंने पे नहीं किया आठ हजार एक सौ करोड़ का आठ हजार सो करोड़ का बैंक का पैसा इन्होंने दिया नहीं है साथ ही साथ में सीबीआई ने इस चार्जशीट के अंदर देखा है। क्या देखा है कि इनकम टैक्स के ऑफिशियल जो है ना उसके द्वारा इन्होंने मनी को जो राउट किया हुआ है तो ये दो मामले यहां पर देखे गए ठीक है दो मामले यहां पर जाने गए पहचाने गए और उसी के संबंध में ईडी ने ये मामला दर्ज कर लिया और ये मामला गया फिर किसके पास दोस्तों ये मामला गया आपका ईडी के के कोर्ट पास में और फिर कोर्ट ने इसकी जांच पीच की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मामला लेके गए सेशन ए, ए, स्पेशल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट ने फिर ऑर्डर पास कर दिया क्या हु हु इज इज द द इकोनॉमिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन होते हैं सर आपके भगोड़ा आर्थिक अपराधी कौन होते हैं मैं बता देता हूं आपको इट रिलेट टू एनी इंडिविजुअल अगेंस्ट हुम अ वारंट फॉर अरेस्ट इन रिलेशन टू द शेड्यूल ऑफेंसेस हैज बीन इश्यूड बाय एनी इंडियन कोर्ट अंडर द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट कौन होते हैं दोस्तों ये वो बंदे होते हैं जिनके खिलाफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट के तहत में कोई भी शेड्यूल कोर्ट ने वारंट जारी किया हो शेड्यूल ऑफेंसेस के चलते ये किसी भी व्यक्ति के संबंधित है जिसके खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत किसी भी भारतीय अदालत के द्वारा अनुसूचित अपराध के संबंध में गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया हो उसको हम बोलेंगे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर सर प्रोसेस बताओ हमें हम भी जानना चाहते हैं प्रोसेस क्या होती है चलो अगर आप जानना ही चाहते हो तो मैं आपको पिरासिस भी बता देता हूं कि पिरासिस क्या है हमारी the investigating agencies has to file an application with a special court under the prevention of money laundering act 2002 समझ में आ रही बात बात क्या है दोस्तों जो इन्वेस्टिगेट कर रही है एजेंसी उन एजेंसी को स्पेशल कोर्ट के अंदर में आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत में क्या करना पड़ेगा दोस्तों एक फाइल अपील फाइल करनी पड़ेगी किसके लिए टू कन्फिस्कट द प्रॉपर्टी एंड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन वेयर अबाउट्स ठीक है आपने इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज़ है उसने फाइल कर दी एप्लीकेशन स्पेशल कोर्ट के पास में उसके बाद स्पेशल कोर्ट विल इश्यू नोटिस फॉर द पर्सन टू द पर्सन टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस डेट एटलीस्ट सिक्स वीक्स फ्रॉम द इश्यूएंस ऑफ द नोटिस इसके बाद में क्या किया जाएगा जो हमारा कोर्ट है स्पेशल कोर्ट जो है वो क्या कहेगा स्पेशल कोर्ट उस व्यक्ति को एक नोटिस जारी करेगा उस नोटिस के अंदर बताएगा कि कब किस समय और कहां पर आपको उपस्थित होना है कम से कम छह सप्ताह hmm. का समय तो उसको देगा लेकिन उसको साफ साफ बता देगा कब कैसे और कहा किस समय आपको तो उपस्थित होना है जब आप ऐसे उपस्थित हो जाओगे ठीक है जब आप इस वहां पर उपस्थित हो जाओगे तो अच्छी बात है अगर आप वहां पर उपस्थित नहीं होते हो तो आपको फ्यूजिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा प्रोसीडिंग विल बी टर्मिनेटेड इफ द पर्सन अपियर अगर वो बंदा हाजिर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है उसके बाद में प्रोसीडिंग को टर्मिनेट कर दिया जाएगा ठीक है अगर वो बंदा वहां पर हाजिर नहीं हुआ तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उन्होंने जो आपका एप्लीकेशन दी है जो सबूत दी है उनके आधार पर उसको आर्थिक रूप से भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया जाएगा जो पर्सन है जिसको ऐसे डिक्लेयर किया गया वो तीस दिन के अंदर ठीक है वो भारत के किसी भी हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकता है ठीक है दोस्तों लाइक और शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए लाइक्स मिलते रहने चाहिए आपके ठीक है लाइक्स की संख्या देखो कम है एक बार फटाफट से लाइक का बटन दबाओ जल्दी से जल्दी लाइक का बटन दबाओ अभी ओके की रिपोर्ट कर दो फटाफट से लाइक करो दोस्तों शेयर करो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज्योग्राफी 101 और मैप 101 तो जाके सब्सक्राइब कर लो मेरी ज्योग्राफी की जितनी भी क्लास हैं और मेरी जो बाकी ज्योग्राफी नहीं बाकी भी मैं क्लास लेके आऊंगा मैं पॉलिटी कराऊंगा मैं करंट अफेयर वहीं कराऊंगा ठीक है सारी क्लासेस मैं धीरे धीरे वहीं शिफ्ट करूंगा सो आइए फटाफट उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए रिलेटेड सर्च में देखिए मैं क्या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दो दो स्पेशल कोर्ट क्या होते हैं इनके बारे में देखना आपको ये बिल क्या है दोस्तों फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट क्या होता है ठीक है इनके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेना जाके आज अगर मन करे तो नहीं करे तो छोड़ देना प्रिलिम स्पेसिफिक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट दो क्या होता है इस पर सवाल आपसे पूछा जा सकता है आपसे इसका प्रोसेस क्या है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इसमें क्या रोल होता है प्रवर्तन प्रवर्तन निदेशालय जिसको हम बोलते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका क्या रोल होता है ये सारी जो चीजें हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं समझ में आ रही बात आपको जल्दी बताओ रिपोर्ट कैसी ओके की रिपोर्ट है ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है मेन स्पेसिफिक सवाल आ जाइए आप दोस्तों व्हाट इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एंड विच कोर्ट ज हैज इश्यूड द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट दो हजार अट्ठारह एक्सप्लेन मोर देन एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन मोर देन 250 फिफ्टी वर्ड्स आपको 250 शब्दों से अधिक में इसको क्या करना है दोस्तों बताना है यह था दोस्तों आज का करंट अफेयर आप मेरे साथ है, सेशन को लाइक करना है शेयर करना है साथ ही साथ में दोस्तों दो नए चैनल हमने लॉन्च कर दिए हैं दोस्तों जोग्राफी जो वन ओ वन और मैप वन ओ वन जो कंप्लीट मेरे चैनल होंगे मैं चाहता हूं आप वहां जाइए और फटाफट से उन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम अपनी यूपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ा सके सो so, याद रखना दोस्तों आपको अनडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है आप मेरे साथ ऐप पे भी जुड़ सकते हो दोस्तों डाउनलोड करनी है लर्निंग ऐप गोल में जाना है यूपीएससी यूपीएससीएससी और उसके बाद में जाना है दोस्तों दोस्तों गेट सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब कर लेना मंथ और मंथ के लिए बाई यूजिंग द कोड सुमितेन याद रहे कोड मेरा क्या है दोस्तों सुमित टेन सुमित टेन खास है बाकी आप समझदार हो दोस्तों अन अकेडमी में जाना है सुमित टेन कोड आपको इस्तेमाल करना है क्योंकि सुमित टेन कोड के द्वारा आप जुड़ेंगे मेरे साथ और इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ में जो, जो टॉप एजुकेटर्स हैं, उनके साथ में आप और जुड़े अंतिम तिथि अंतिम डेट सो फटाफट जाइए और अन अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आज अंतिम तिथि है आज अंतिम डेट है आपको सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों आज के आज Now, on this note, we are ending the session. So, thank you very much. Take care. Bye bye.